खबर इंदौर से आ रही है, जहां सदर बाजार में करीब 30 सालों से एक ही घर में रह रहे दो भाइयों के बीच मामूली विवाद ने बुधवार रात बड़ा रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे के सिर पर डंडा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बचाव करने आई बहू को भी पहली मंजिल से धक्का दे दिया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सहित दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। टीआई सुनील श्रीवास्तव के मुताबिक जूना रिसाला गली नंबर 1 चौल में रहने वाले दो भाई मज्जू उर्फ माजिद और अब्दुल हामिद के बीच बाथरूम इस्तेमाल करने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल सदर बाजार की चौल में दोनों भाइयों को संयुक्त परिवार रहता है, दोनों के बीच एक ही बाथरूम है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बाथरूम को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन बुधवार रात को अब्दुल को घरों की पेंटिंग के सिलसिले में घर से जल्दी जाना था। इस वजह से बाथरूम से जल्दी निकलने को लेकर उसका बड़े भाई मज्जू से विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। अब्दुल ने बड़े भाई मज्जू को धक्का दे दिया। इस पर मज्जू ने गुस्से में डंडा उठाया और अब्दुल के सिर पर जोर से दो वार किए। इस दौरान अब्दुल हामिद गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान अब्दुल की पत्नी अनीसा बचाव करने पहुंची, मज्जू ने उससे भी धक्का देकर नीचे फेंक दिया। इससे अनीसा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मज्जू फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी और एक अन्य युवती को हिरासत में ले लिया। देर रात रिश्तेदारों के यहाँ से मज्जू को भी पकड़ कर थाने लेकर आया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवार मजदूरी करते हैं। अब्दुल हामिद पेशे से पेंटर है, जबकि मज्जू भी मजदूरी करता है। उसके परिवार में दो बेटियां हैं। अनीसा के रात में एम्बॉय में पुलिस ने बयान लिए थे, जिसके बाद मज्जू और उसकी पत्नी व बेटी को अब्दुल की हत्या का आरोपी बनाया है। फिलहाल अब्दुल के सब को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये इसके अंदर माजिद है और हमीद है, दोनों सगे भाई। इनके बीच में लेटरिन के जाने को लेकर के विवाद हो गया था, तो उसमें जो माजिद है उसने अपने छोटे भाई हमीद के सर के ऊपर एक दो डंडे मार दिए, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और उसी झगड़े में उनकी पत्नी, हमीद की पत्नी अनीसा हैं, वो धक्का लगने से छत के जीने के पास से गिर गई, तो उनके चोटें आई हैं, तो जिन्हें एमबी इलाज कराया जा रहा है। तो अभी 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। अभी अस्पताल में इलाज हो रहा है, उनका खतरे के बाहर है। ये जूना रिसाला में जो बड़ी मस्जिद है उसके समीप रहते हैं अब्दुल हफीज, उनके परिवार की घटना।